नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। झांसी में रुद्र महासेना की तरफ से जिला अधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। रुद्र महासेना के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा राम मंदिर समर्पण नीति अभियान के दौरान कुछ जिहादियों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिससे पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। आज झांसी जिला अधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, जिसमें रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की गई है। साथ ही रिंकू शर्मा के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक रूप से मदद की जाए। ज्ञापन के दौरान सुमित साहू, राजवीर रेकवार, संजय यादव, सनी बाल्मीकि, विजय अहिरवार, सुमित गांचले, पवन कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। पूरे देश में आए दिन जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरे हिंदू समाज को जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय द्वारा, मुस्लिम जिहादियों द्वारा जिस तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, विशेष तौर पर दिल्ली में जिस तरीके से अभी रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को यह ज्ञापन दिया है। और हम लोगों ने मांग की है कि जो रिंकू शर्मा का परिवार है उसको, उसके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और उसको आर्थिक तौर पर 1 करोड़ की मदद की जाए और जो भी हत्यारोपी है उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। जो आपने देखा होगा कॉलेज में हर जगह टीका लगाकर हाथ में कलावा बांधकर हमारी बहनों बेटियों को जिस तरीके से सोनू रिंकू नाम रख के उनको लव जिहाद के मामले में, आपने देखा होगा लव जिहाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। हम तो आज DM के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं, उनसे मांग करते हैं जो रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए और सुरक्षा, उसके बाद दो लोगों को सरकारी जॉब मिलने चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये उग्र आंदोलन होगा झांसी नहीं, पूरे बुंदेलखंड में।